अखिल भारतीय संत समिति आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बेहद गैर जिम्मेदाराना असंवैधानिक धमकियों को गंभीरता से लेते हुए आज काशी के लगभग 250 से 300 संत, जिसमें जगतगुरु शंकराचार्य, सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद जी, जगतगुरु अनंताचार्य, डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी, संत समिति के प्रवक्ता बालकदास जी समेत सभी पूज्य संत यहाँ उपस्थित थे और एक स्वर में निर्णय लिया गया कि संविधान को बंधक बनाने, कोर्ट को धमकी देने के अपने रवैये से बाज आए मुस्लिम समाज, आपको जो कहना है कोर्ट में कहिए, यह देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। श्री राम जन्मभूमि किसी की कृपा से नहीं, हमने संविधान से और कोर्ट से प्राप्त किया है, और कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी भी हम कोर्ट से ही प्राप्त करेंगे, हमारी आस्था संविधान में है। और रही बात ये कि कोर्ट और प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, तो 2014 से पहले यही आरोप तो आप पर भी लगाए जा सकते थे, लेकिन हमने तो यह आरोप कभी नहीं लगाए कि जन्मभूमि श्री राम की है और उसको तीन टुकड़े में बांट दिया जाए, ये आप लोगों की धमकी का परिणाम था। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को डराने, धमकाने और उन्हें, मैं ये कहूंगा कि मुसलमानों को भड़काने से बाज आए, अन्यथा परिणाम उन्हीं के लिए खराब होंगे।